हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं डीएमएल की वेरी फर्स्ट कमांड, दैट इज इंसर्ट कमांड. ओके, सो डीडीएल में ऑलरेडी आपने टेबल को क्रिएट किया है. अभी हम लोगों को क्या करना है, उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड को क्या करना है, इंसर्ट करना है. तो उसके लिए इंसर्ट क्वेरी की मदद हम लेते हैं. सो द इंसर्ट स्टेटमेंट इज अ SQL query and it is used to insert data into the row of a table. So syntax for inserting the record into table. So there are two ways for inserting record into table. First, you can write here insert keyword into table name, then in bracket columns name, okay, then values, then values name over here, or you can directly insert into टेबल नेम और वैल्यूज़. सो यहाँ पे आप लोगों को कॉलम के नाम स्पेसिफाई नहीं करना है, इन ब्रैकेट वैल्यूज़ दे दो. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एबीसी नाम का टेबल है, ओके, सो हियर यू कैन राइट इंसर्ट इनटू टेबल नेम इन ब्रैकेट द ऑथर नेम. सो फर्स्ट ऑथर, सेकेंड ऑथर, इन दैट वैल्यूज कीवर्ड इज देयर. सो राइट हियर फर्स्ट ऑथर, देन सब्जेक्ट हियर. For using the second syntax, directly write here insert into the table name ABC and here values in bracket author ka naam or subject ka naam. Either you give the column names over here and then values, then put the values, or directly write here values in bracket the values over there. So ये है आपका इंसर्ट का सिंटैक्स. तो इंसर्ट का सिंटैक्स हम लोगों ने दो तरीके से देखा. फर्स्ट, इंसर्ट करना है, इनटू कीवर्ड डालना है, तो दोनों में हम लोग इंसर्ट इनटू लिखेंगे और टेबल का नाम लिखेंगे. अगर आप लोगों को कॉलम्स और अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू चाहिए तो इन ब्रैकेट कॉलम्स के नाम दे दो वैल्यूज, और दूसरे ब्रैकेट में उन कॉलम से रिलेटेड डेटा आप लोगों को क्या करना है, फिल करना है. सेकेंड, आप लोग इंसर्ट इनटू एबीसी वैल्यूज और वैल्यूज दे सकते हो. तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं अभी. सो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे रन एसक्यूएल कमांड लाइन. ओके, तो रन एसक्यूएल कमांड लाइन क्या है ये अगर आपको जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लो. सो स्टार्ट विथ न्यू कनेक्शन, दैट इज COOOL, देन राइट हियर सेमी कोलन, देन राइट हियर यूजर नेम. सो माई यूजर नेम इज सिस्टम, then press enter and the password, that is 123. तो connection successfully हो चुका है. so first आप लोगों ने अगर table को create नहीं किया है तो first you have to create the table. तो table का create करने का syntax क्या है, create then table then table का नाम. suppose मेरे table का नाम है teacher, तो यहाँ पर मैं teacher नाम देती हूँ, TECH, that is teacher. then उसके बाद in bracket फर्स्ट कॉलम नेम, दैट इज SID, देन उसके बाद TID, दैट इज टीचर ID, देन उसके बाद उसका डेटा टाइप, दैट इज नंबर, इन ब्रैकेट द साइज, दैट इज 20, कॉमा टीचर नेम, देन इन ब्रैकेट वेर कैर द डेटा टाइप ऑफ दैट वेर कैर टू, आइदर राइट वेर कैर और वेर कैर टू इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, देन इन ब्रैकेट द साइज ऑफ दैट ब्रैकेट कंप्लीट. देन अगर थर्ड भी आपको कॉलम करना है, द सब्जेक्ट टीचर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट दे दो, टीचर सब्जेक्ट स्पेस द डेटा टाइप, दैट इज वेर केयर टू, इन ब्रैकेट द साइज, दैट इज 10, देन ब्रैकेट कंप्लीट सेम्बल को सेमी कोलन. तो हमारे टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है. देन अभी हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. देन राइट हियर DESC कमांड, देन TECH, दैट इज स्टूडेंट टेबल का नाम, दैट इज TECH सेमी कोलन. सो ये हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो चुका है. अभी हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इंसर्ट इन टू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है टीचर, तो TECH यहाँ पे लिखना है, देन स्पेस और वैल्यूज डालना है, ये आपका कीवर्ड है. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि कीवर्ड लिया है हम लोगों ने वैल्यूज का. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यूज डालना है इन ब्रैकेट. अभी फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा, टीचर आईडी, तो आप लोगों को फर्स्ट कॉलम में आईडी ही डालना है, दैट इज इन नंबर टाइप, देन कॉमा, देन सेकेंड कॉलम में क्या डालना है, नेम. सो इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप लोगों को यहाँ पे क्या डालना है, नेम डालना है, देन कॉमा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है,
DMS, तो जहाँ पे आप लोगों को स्ट्रिंग देना है, कैरेक्टर्स देना है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालो, और जहाँ पे नंबर है वहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, देन सेमी कोलन. ओके, सो वन रो सक्सेसफुली क्रिएटेड. अभी आप लोगों को एक और रिकॉर्ड करना है, तो आप लोग इंसर्ट इन टू टेबल नेम टू कर सकते हो, देन यहाँ पे सब्जेक्ट का टीचर का नाम ए बी सी, और ये जो डेटा है वो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ही डालना है. मीन्स अगर आप लोगों का पहला जो कॉलम है उसका नाम टी आई डी है, तो उसके अंदर नंबर ही डालना है. देन उसके बाद सिक्वेंस भी आप लोगों को ऐसे ही रखना है, मतलब ये पहला होगा आपका टीचर आई डी, दूसरा आपका नेम, और तीसरा सब्जेक्ट. जैसा आप लोगों ने यहाँ पे किया है टी आई डी, टी नेम, टी सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज डाल लेते हैं. इसे हम लोग नंबर ऑफ रोज क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो अगर आप लोगों को जो मैंने रिकॉर्ड दिया है ओके, वो अगर आप लोगों को देखना है, तो उसके लिए एक कमांड है, दैट इज DQL कमांड. ओके, सो ये DQL कमांड क्या है? DQL कमांड का यूज़ हम लोग डेटा फेच करने के लिए करते हैं. इट इज़ यूज टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. डेटाबेस में अगर हम लोगों ने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, अभी तीन रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किए, ये डेटाबेस में स्टोर हो चुके हैं, अभी हम लोगों को उसको फेच करना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट कमांड का यूज़ करना है. तो आप लोगों को अगर सिलेक्ट कमांड में से सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. ओके, सिर्फ आप लोगों को ये लिखना है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले वेयर क्लॉज और उसके बाद कंडीशन. लेकिन आप लोगों को अगर सारे के सारे रिकॉर्ड्स अगर देखने हैं, तो उसके लिए एक कमांड है, दैट इज सिलेक्ट कमांड. उसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट स्टार का मीन्स व्हाट, स्टार का मीनिंग है सारे के सारे रिकॉर्ड्स देखने. फ्रॉम किस टेबल्स में से देखने, हम लोगों ने टी ई सी एच ये टेबल क्रिएट किया था, तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पेस टी ई ए सी एच देन सेमी कोलन. तो यहाँ पे टेबल के रिकॉर्ड डेटाबेस में से फेच हो चुके हैं, मैंने दो रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं. अगर मुझे फिर से एक बार एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, तो मैं फिर से इंसर्ट इन टू टेबल नेम करूँगी, देन यहाँ पे आई डी दिखूँगी 3, टीचर का नाम, देन सब्जेक्ट का नाम, दैट इज़ ओ ओ पी. तो वन मोर रो इज एडेड, और वो मुझे देखना है, तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी स्टार मीन्स व्हाट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल नेम. कौन सा टेबल, टी ई सी एच, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्टार मीन्स ऑल, और फ्रॉम के बाद आपका क्या आने वाला है, टेबल का नाम. अगर स्टूडेंट नाम है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखो. तो यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड हो चुका है. ओके, तो आज हमने इस वीडियो में देखा हाउ टू इंसर्ट दी रिकॉर्ड इन टू दी क्रिएटेड टेबल. ओके, तो पहले आप लोगों को टेबल क्रिएट करना है, देन उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. सिंपल सिंटैक्स है, इंसर्ट इन टू टेबल नेम वैल्यूज, और अकॉर्डिंग टू द कॉलम आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज डालने हैं. एंटर प्रेस करना है, मैसेज आते जाएगा वन रो क्रिएटेड, वन रो क्रिएटेड. ऐसे आप लोग नंबर ऑफ रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, और उस रिकॉर्ड को अगर आप लोगों को देखना है, तो उसके लिए DQL कमांड है, दैट इज सिलेक्ट कमांड. उसका सिंटैक्स है सिलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स ऑल. इसके जगह पे आप लोगों को पर्टिकुलर कॉलम लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग पर्टिकुलर कॉलम का नाम भी मेंशन कर सकते हो. आगे के वीडियो में ये हम देखने वाले हैं, फिलहाल तो हम लोगों को ऑल रिकॉर्ड्स देखना है, तो यहाँ पे मैंने स्टार लिखा. फ्रॉम किस टेबल्स में से आप लोगों को रिकॉर्ड देखना है, उस टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसर्ट कमांड, सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट कमांड, एंड द प्रैक्टिकल ऑफ द रिलेटेड टू द इंसर्ट कमांड, हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन टू द क्रिएटेड टेबल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ क्लिक ऑन दी लाइक बटन. थैंक यू.